नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिस्किट खाना तो सभी पसंद करते हैं, चाहे वो बच्चे हो या बड़े। तो आज हम बिस्किट से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे, बिना गैस जलाए, बहुत ही आसान तरीके से, सिर्फ 5 मिनट में। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस लड्डू को घर की सामग्री से झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने 6 पैकेट पार्ले जी बिस्कुट लिया है। ये 5-5 रुपए का छोटा पैकेट है। आपके मन में ये सवाल होगा कि पार्ले जी ही क्यों, तो आप किसी भी बिस्किट से बना सकते हैं, बस नमकीन बिस्किट छोड़ के। चॉकलेट फ्लेवर से भी बना सकते हैं, लड्डू का टेस्ट चॉकलेटी आएगा। पार्ले जी बिस्कुट से फ़ायदा ये है कि आप अपने टेस्ट के अनुसार सामग्री मिलाकर लड्डू तैयार कर सकते हैं। अब इन बिस्कुटों को तोड़कर बाउल में रख लेंगे, फिर इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। आप चाहे पेड़ा बनाइए या लड्डू बनाइए, ना गैस जलाने की ज़रूरत है ना ज़्यादा मेहनत की, 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। इसे बच्चे भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने सारे बिस्कुट निकाल लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा मिक्सर के जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके का रहेगा। आप चाहें तो इसे छानकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे बिस्कुट को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब इस पाउडर में बाकी सामग्री मिलाएंगे, जिससे बिस्किट का स्वाद चेंज हो जाए। तो इसके लिए इसमें पीसी हुई शक्कर 2 चम्मच मिलाएंगे। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बिस्कुट तो वैसे भी मीठा होता है। अब इसमें छोटा 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर मिलाएंगे और साथ में 1 बड़ा चम्मच देसी घी मिलाएंगे। इससे लड्डू का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मिठाई में देसी घी का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, ज़रूर मिलाना चाहिए, और साथ में बाइंडिंग करना आसान हो जाता है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद, ये देखिए, अभी ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है। तो इसे बाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है, लेकिन पूरा दूध का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अच्छे से मिलाते जाएंगे, क्योंकि हमें इसका एक डो तैयार करना है। अब इसमें 2 या 3 बड़ा चम्मच कोकोनट पाउडर मिलाएंगे। इस मिठाई में कोकोनट का फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है। आप चाहें तो इसके जगह मिल्क पाउडर या ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं। कोको पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉकलेटी फ्लेवर अगर देना हो तो। चाहें तो काजू का पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पसंद हो वही मिलाइएगा, तभी खाने में मिठाई का स्वाद आएगा। कोकोनट पाउडर मिलाने के बाद जितना दूध की ज़रूरत हो उतना मिलाकर एक चिकना सा डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, डो तैयार हो गया है और इतना दूध बच गया है। तो चलिए इसका लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और दोनों हाथों के बीच घुमाते हुए लड्डू का शेप देंगे। अगर आप चाहें तो पेड़ा भी बना सकते हैं। इस तरह बोल बना लेंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए, मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे नारियल के बुरादा में लपेट लेंगे। चारों तरफ से कितना सुंदर और स्वादिष्ट बना है। ये खाने में हेल्दी और टेस्टी भी है। 5 मिनट में बनकर तैयार हो गया। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा।